इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परवेष्टि भगवान की, देवाधिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्प सम्यक समाधान, हमारे ही विकल्प और गुरुमुख से उनका समाधान। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अपने ऐसे उन अनेकानेक छोटे बड़े विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री की ये महती अनुकंपा है कि उन्होंने इस प्रश्ना नाम के स्वाध्याय को सम्यक समाधान के रूप में हम सबको प्रदान किया और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने ही विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्मलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्मल सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आरातीय आचार्य किसे कहते हैं, आगम में इनका क्या महत्व है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, आगम में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि में मति ज्ञान के भेदों का विस्तार से व्याख्यान करते हुए उन भेदों के कर्ताओं का व्याख्यान कर रहे थे। वहाँ वे स्पष्ट रूप से कहते हैं त्रयो वक्ता रहा, तीन प्रकार के उस तंत्र ग्रंथ आदि को करने वाले और कहने वाले वक्ता है, जो कि सर्वज्ञ तीर्थंकर इत्रो वा श्रुत केवली आरातियस चेति। इस प्रकार से तीन वक्ताओं को प्रमाणित कहते हुए उन तीन वक्ताओं के द्वारा ही उस श्रुत ज्ञान के वह 12 अनेक आदि भेदों की प्ररूपणा आचार्य भगवंत ने की। इस क्रम में पहला अगर कोई वक्ता प्रमाणित स्वीकार किया जाता है तो उसका नाम पूर्ण रूप से सर्वज्ञ प्रभु है, चाहे वह तीर्थंकर केवली हो या सामान्य केवली हो। दूसरे वक्ता के रूप में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं श्रुत केवली, दूसरे वक्ता के रूप में उस श्रुत भेद के कर्ता माने जाते हैं, और तीसरे कोई है तो अरातियश्च इति, यानी तीसरे अरातीय को ग्रहण किया। तो यहाँ अरातीय शब्द से हमें यही समझना होगा कि श्रुत केवली के उपरांत जो भी आचार्य भगवंत हमारे सामने थे, उन श्रुत केवली के उपरांत आचार्य भगवंतों को ही अरातीय आचार्य कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जितने आचार्य भगवंत हैं वे तो वर्तमान तात्कालिक आचार्य इन श्रेणी में आएंगे, कुछ प्राचीन हैं और उस प्राचीन से भी प्राचीन जो श्रुत केवली के तुरंत उपरांत उस आगम ग्रंथों को
लिपिबद्ध करने के लिए, भेदों में विभाजित करने के लिए जो प्रवृत्त थे, ऐसी उन श्रुत केवली भगवंतों के आचार्य भगवंतों के उपरांत जितने भी वह उस काल में हुए आचार्य भगवंत थे, उनको ही अरातीय आचार्य कहा जाता है। क्योंकि कालकृत ये भेद है और काल की अपेक्षा से ही उन्हें अरातीय यानी प्राचीन से भी जो प्राचीन है, अति प्राचीन है, उन आचार्य भगवंतों के द्वारा ही ये द्रव्य श्रुत की रचना का जिम्मा लिया गया। उनके ही द्वारा हमारे सामने ये द्रव्य श्रुत लिपिबद्ध करने का उन्होंने जो पुरुषार्थ किया था, ऐसे उस श्रुत ज्ञान के जो भेदों को लिपिबद्ध करते हुए आगम को प्रदान करने का, आगम ग्रंथों के जो उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, ऐसे उन प्राचीन से भी प्राचीन श्रुत केवली के उपरांत जो आचार्य परंपरा में प्राप्त हुए आचार्य हैं, ऐसे उन आचार्य भगवंतों को ही अरातीय आचार्य के श्रेणी में ग्रहण किया और उनका महत्व, उनकी उपयोगिता जो आगम की वर्तमान में धारा प्रवाह के रूप में हमें ग्रंथों की श्रृंखला मिलती है, उन ग्रंथों के उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। जैसे स्वाध्याय के पहले कई स्थानों पर पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, मुख्य ग्रंथकर्ता तीर्थंकर देवा, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्ता यानी उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर भगवान श्रुत केवली, इनके बाद अगर कोई ग्रंथकर्ता तंत्रकर्ता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, तो वे अरातीय यानी प्राचीन से भी प्राचीन श्रुत केवली के उपरांत के वे आचार्य भगवंत है, उन्हें ही अरातीय आचार्य भगवंत के, अरातीय आचार्य के नाम से जाना जाता है। और उनके द्वारा ये श्रुत ज्ञान के भेदों का या ग्रंथों का, द्रव्य श्रुत का सृजन किया, यही उनका आगम के परिपेक्ष में संज्ञा और विशेषण की अपेक्षा से विशेष कथन सम्यक समाधान से। श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प प्रकट रहे हैं कि महाराज जी, दो प्रतिमा के पालन में सुबह उठकर पहले सामायिक करना चाहिए या प्रतिक्रमण, एवं सामायिक में कौन कौन सी भक्ति एवं पाठ पढ़ना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ श्रावक की दो प्रतिमा हो या दो से अधिक प्रतिमा हो या कोई निर्ग्रंथ मुनिराज भी क्यों ना हो, उन सभी की अपेक्षा से जो सामायिक प्रतिक्रमण आदि का व्याख्यान किया जाता है, वह हमें इसी प्रकार से उस विषय को समझना होगा कि सबसे पहले उठकर प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता। क्योंकि जितने भी दोष रात्रि भर में लगते हैं, उन रात्रि भर के दोषों का पहले प्रक्षालन किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी और उसके बाद ही ध्यान, चिंतन, सामायिक आदि के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाए। अगर किसी भी प्रकार से बिना प्रतिक्रमण के अगर सामायिक की है, तो कहीं ना कहीं रात भर में की गई गलतियों का विकल्प भीतर सता सकता है कि हो सकता है अगर कोई स्वप्न में दोष लगा या और भी जो विकल्प रात भर चल रहे थे, वही सामायिक में अगर आ जाएंगे, तो सामायिक कभी भी निर्विकल्पता से नहीं हो सकती। इसलिए निर्विकल्प सामायिक होने के लिए पूर्ण रूप से पहले प्रतिक्रमण करना, ये श्रावक और साधु दोनों के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है। और सुबह पहले जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, वे अपने आवश्यक 28 कृतिकर्म आदि को करते हुए सबसे पहले स्वाध्याय आदि करते हैं, स्वाध्याय के उपरांत प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण के उपरांत सामायिक करते हैं और सामायिक के उपरांत प्रतिदिन की नित्य के भांति स्तुति वंदना आदि आवश्यक कृतिकर्मों का पालन करते। श्रावक को भी बिल्कुल उसी क्रम से दूसरी प्रतिमा भी करना होगा, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिक्रमण ये शिक्षा व्रत के रूप में स्वीकार किया है, तो वह आने वाले समय के एक शिक्षा के रूप में, एक अभ्यास के रूप में उसी क्रम से करने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रतिक्रमण करें, अपने दोषों का प्रक्षालन करें, फिर अपने भीतर आत्मा तक, सामायिक तक पहुँचने का प्रयास करें। और रही बात सामायिक में पाठ आदि करने की, तो वहाँ मात्र तीन ही भक्तियों का नियम आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सामायिक आदि में श्रावक हो या साधु हो, प्रतिमाधारी हो, उसके लिए तीन भक्तियों को पढ़ना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। पहली चैत्य भक्ति,
दूसरी पंचमहागुरु भक्ति और तीसरी समाधि भक्ति। इन तीन भक्तियों के माध्यम से ही श्रावकों की और निर्ग्रंथ मुनिराजों की देव वंदना रूप सामायिक स्वीकार की गई है, तो इन भक्तियों के साथ ही नियामक सामायिक होती। इसके अलावा आप भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं, एक ही भाव, कल्याण मंदिर, अन्य भी जो आपको स्तुति वंदना आदि आदि सुभग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप उनको पढ़ते हुए आपका पुरुषार्थ सामायिक का कर सकते हैं। पर नियामक तीन ही हैं जो कि आपको बहुत सारे क्रियाओं की क्रियाकलापों के पुस्तकों में मिल सकता है, चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु की और समाधि भक्ति पूर्वक ही वह सामायिक देववंदना होती है। ये नियामक है, अन्य पढ़े ना पढ़े ये कोई किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। इसलिए इन क्रियाओं के साथ आप सामायिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सामायिक पाठ अगर संस्कृत बने तो संस्कृत में, और नहीं बन रहा है तो कम से कम हिंदी में सामायिक पाठ आदि पढ़े तो सामायिक का महत्व और भी बढ़ेगा। पर तीन भक्तियां नियामक है, बाकी शेष आप अपने अनुकूलता और कार्य को समय को देखते हुए करें, यही आपके लिए सम्यक समय। दिशा जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, महाराज उल्टे हाथ से आशीर्वाद क्यों देते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुनिराजों को उल्टे हाथ से ही आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ, कहीं आपने किसी मुनिराज को उल्टे हाथ से आशीर्वाद देते हुए देखा होगा तो वह उनकी स्वयं की व्यवस्था या स्वयं की आदत आदि हो सकती है। पर ऐसा किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता कि मुनिराज सभी को उल्टे हाथ से आशीर्वाद दे। जो जिस कार्य को या जिस हाथ का आदि होता है करने का, वह स्वाभाविकता से सहजता से वही हाथ ऊपर उठा दे। माना कि वे लेफ्टी हो सकते हैं, उनको उल्टे हाथ से करने की आदत हो सकती है, या हो सकता है सीधे हाथ से वो कुछ अन्य कार्य कर रहे हो जिस कारण से उनने उल्टे हाथ से आशीर्वाद दिया हो। और कई बार आपने ऐसी ही घटनाक्रम को देखने से आपको ये ऐसी मानसिकता बनी हो कि वे उल्टे हाथ से आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि उल्टे हाथ से मुनिराज आशीर्वाद दे या देते हैं। वह सीधे हाथ से भी आशीर्वाद देते हैं, दे सकते हैं। पर यह भी बात आगम ग्रंथों में आती है, जब आचार्य भगवंत अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वह उल्टे हाथ से आशीर्वाद देते हुए पिछी आदि का भी आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा वहाँ दीक्षा की विधि में तो लिखा है। पर सामान्य रूप से उल्टे हाथ से ही देते हैं, देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ जीवों के साथ उनकी आदत के निमित्त से या कुछ विशेषताओं के निमित्त से ऐसा हो सकता है, तो वह वहाँ पर आपने वो देखा इसलिए आपको ऐसा लगता है। पर ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि सभी मुनिराज उल्टे हाथ से आशीर्वाद देते हैं, सीधे हाथ से भी आशीर्वाद होता है, यही आपके लिए सम्यक समझ। सिद्धेश जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म दया को धर्म मानता है तथा हिंसा को भी, परंतु मुनिराज जब केस लॉन्च करते हैं तो क्या भावों की भी हिंसा, भावों की हिंसा नहीं होती और स्वयं पर दया भाव नहीं रहता क्या? जैन धर्म दया, करुणा, अहिंसा का प्रतीक है, ये परम सत्य है। पर शायद जीवों ने दया, करुणा और अहिंसा को नहीं समझा, जिसके कारण से वर्तमान में बहुत सारे जीवों के भीतर ये भ्रांतियाँ उत्पन्न। निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता जो केस लॉन्च करते हैं या उनकी जो भी वीरचर्या है, वह पूर्ण रूप से स्वयं के आत्मा के प्रति दया, करुणा और अहिंसा का ही प्रतीक है। अगर किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराज केस लॉन्च नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे से मांगने की यानी याचना करने की आवश्यकता पड़ती कि मुझे, मेरे केस बढ़ गए हैं, आप कैंची ले आओ। वह मांगना भी निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए हिंसा ही है। इसलिए वे किसी प्रकार से याचना ना करते हुए ही अपने जीवन को यापन करते हुए पूर्ण रूप से अपने उस आत्मा में लीन होने के लिए वह केसलोच जैसे उन मूल गुणों का पालन करते हैं। केसलोच करने का तात्पर्य किसी भी प्रकार से हिंसा करना नहीं है, अपितु हिंसा से बचना ही है, क्योंकि कैंची, वस्त्रा आदि किसी अन्य साधनों से अगर बालों को हटाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनसी नियम से हिंसा होती है।
चाहे कैंची से काटते हुए हो, वस्त्र घुमाते हुए हो, उन छोटे छोटे जीवों की हिंसा ना हो, उनको आघात ना हो, इस मुख्य उद्देश्य से ही निर्ग्रंथ मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अपने ही हाथों से केस को उखाड़ना, किंचित भी अगर कोई जीव भी हो तो धीरे से उसे निकाल कर बालों के साथ अलग कर दिया, वो वही का वही बालों में रह गया। इस अपेक्षा से ही वहाँ केसलोच निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हैं, किसी भी प्रकार से वहाँ भावों की हिंसा का भी और द्रव्य हिंसा का भी स्थान नहीं है। जो किसी भी प्रकार से केसलोच करते हुए विकल्प कर रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया जा रहा है आदि रूप, अगर उस जीव के भाव बिगड़ रहे हैं तो वो भाव हिंसा कर रहा है, पर ऐसा निर्ग्रंथ मुनिराज किसी प्रकार से सोचते ही नहीं है, क्योंकि मुनिराज बनने से पहले ही उनको इन बातों का ज्ञान और इन बातों का बोध के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है कि केसलोच का कैसा दर्द, कैसा प्रकार का कार्य होता है, और तभी 10 बार पूछने के बाद ही गुरु उनको दीक्षा देते हुए केसलोच आदि करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज भाव हिंसा में भी नहीं उलझते, और अगर भाव हिंसा कर रहे हैं तो वे निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं बचे, ये भी समझना होगा। पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के साथ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से बचने के लिए ही ये पूर्ण रूप से केसलोच किया जाता है। रही बात अपने ऊपर दया, सबसे बड़ी दया अपने आप को जीवों की हिंसा से बचाना, यही होता है। अगर किसी भी प्रकार से अन्य साधनों को मांगते हुए, अन्य साधनों के माध्यम से अपने सर के दाढ़ी मूछों के बातों को हटाया जाता है, तो वहाँ जीवों की हिंसा होगी, हिंसा के निमित्त से कर्म का आश्रय बंद होगा, वह आश्रय बंद आत्मा में होगा और आने वाले समय में वह दुख रूप से फलीभूत हो सकता है। इसलिए उस दुखों से बचने के लिए वर्तमान में भले ही सामान्य लोगों को वह केसलोच दिखता है, पर वास्तव में वह पापों का और कर्मों का ही लोच करते हैं, कर्मों को और पापों को ही निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तविकता में दया अहिंसा वही है, वह भले ही आप उस दया को अहिंसा को ना समझ पाए, ना पकड़ पाए, पर परम सत्य वे दया और करुणा से युक्त होकर ही कार्य करते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा विकल्प ये है कि आज के माहौल के हिसाब से हम माता पिता बच्चों में सामंजस्य कैसे बनाएं। नमोस्तु। नीतिकारों ने माँ ऐसा कहा है कि जब बच्चे संतान कुछ नियत उम्र में पहुंचती है, जिसे 16-18 वर्ष की कहा जाता है, किशोर उम्र के आगे उन बच्चों को बच्चे मानकर नहीं अपितु अपना मित्र मानते हुए अगर उन्हें समझाने का, उन्हें संभालने का प्रयास किया जाए, तो नियम से वे बच्चे माता पिता और पूरे परिवार में सामंजस्य बैठने की संभावना। पर अक्सर देखने में यही आता है कि माता पिता उन बच्चों को भी गुरु बनकर हमेशा ही सिखाना चाहते हैं, डांट कर, डपट कर समझाना चाहते हैं, पर वर्तमान की पीढ़ी किसी भी प्रकार से आपके डांटने से, फटकारने से समझने वाली नहीं थी। पहले काल ऐसा भी था, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, टीचर हो, या घर में माता पिता या दादा दादी भी थे, तो वो बच्चों को मारते थे, फटकारते थे, और उस मारने फटकारने से उस समय के बच्चे समझ भी जाते। पर वर्तमान में अगर आपने थोड़ी सी भी आवाज़ बढ़ा ली तो वे बच्चे न स्कूल में मानते हैं, न घर में माता पिता को मानते। इसलिए ये विवेक पूर्वक आपको वर्तमान के समय में ही नहीं, प्रत्येक समय में कार्य करने की आवश्यकता है। जब बेटा बेटी एक नियत समय यानी किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, उन्हें अपने मित्र के समान एक सम्मान का दर्जा देते हुए उनकी गलतियों को बहुत विवेक से समझाने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट जाकर उसको आप उसकी गलती समझाओगे तो वह कल से आपको माता पिता मानना भी छोड़ देगा। इसलिए विवेकपूर्वक नीति रीति का ज्ञान करते हुए किसी दूसरे मित्र के द्वारा, उसके मित्र के द्वारा या अन्य किसी उसके खास व्यक्ति के द्वारा उसकी गलती उसे समझाई जाए, उसको उसकी गलती का बोध किया जाए, तो आप उस गलती को मान भी लेगा। पर माता पिता बनकर या गुरु बनकर हमेशा आप समझाओगे तो वह कभी भी उसको मानेगा भी नहीं और जीवन में उतारेगा भी नहीं।
ऐसा भी कहा जाता है जब बेटे को पिता की जूती या चप्पल आने लगती है तो उसको बिल्कुल उसको अपने मित्र की तरह नहीं एक बिल्कुल विश्वासी पात्र के तरह विश्वास बनाते हुए ही उस बेटे का साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से आप अपने संतानों के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करोगे तो नियम से वे आपकी संतान आपके बेटे आपकी बेटियां अवश्य ही माता पिता की बात मानेंगी। पर अक्सर देखने में यही आता है माता पिता अपना जो एक वजूद है अपना जो अस्तित्व है वह कभी कम नहीं करना चाहते, बेटे को कभी अपना मित्र या कोई अच्छा व्यक्ति समझदार मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह एक ऐसी उम्र हुआ करती है बचपन में तो 8-10 साल तक तो वह बेटा फिर भी माता पिता की मानता है, पर जैसे ही उम्र बढ़ती है उसको भी लगता है कि मैं भी कुछ जीवन में कर रहा हूँ, मैं भी कुछ हूँ, कुछ अहंकार की बातें भी वो सीख जाता है दुनिया को देखते हुए। तो उसको समझाने के लिए अगर आप मित्र बनके उसको समझाओगे उसको मित्र बनाओगे तो नियम से ही आपका भी जीवन और उसका भी जीवन व्यवस्थित हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए उसको समय समय से पूछना, उसको अपनी गलती का दूसरों के माध्यम से सबक सिखवाना आदि कार्य करेंगे तो इस प्रकार के सामंजस्य से आप अपने कुल परिवार घर आदि की सुरक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे साथ। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। माँ जी मेरा प्रश्न यह है, मेरा नियम है कि प्रतिदिन मैं भगवान के दर्शन करने मंदिर जाऊंगा, कभी कुछ कारण से मंदिर के दर्शन ना कर पाऊँ तो मुझे प्राचक के रूप में क्या करना चाहिए और जितना नियम का पालन हमने किया था तो उसका पुण्य हमें मिलेगा या नहीं, कृपया मेरा सम्यक समाधान की। अगर आपका देव दर्शन आदि का नियम है तो कितनी ही विकलता कितना भी विकल्प क्यों ना आए आपको 24 घंटे में एक बार प्रभु के दर्शन भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि नियम 24 घंटे में एक बार या दिन में एक बार दर्शन का है। तो हो सकता है सुबह की व्यस्तता के कारण आप नहीं पहुंच पाए, तो दोपहर में नहीं पहुंच पाए तो शाम को नहीं तो मंदिर बंद होने के पहले प्रभु के दर्शन भगवान के दर्शन आपको करना आवश्यक ही है। और क्वचित कदाचित कुछ बुखार आदि आदि शारीरिक विषमता या अन्य विषमता के कारण से आप मंदिर नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ जो नियम टूटा है उसके लिए प्रायश्चित सार्वजनिक रूप से नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुँचकर उन जितने दिनों में आपने वह नियम तोड़ा है नियम का भंग किया है नियम में दोष लगे है उतने दिनों के लिए आप गुरु के पास जाकर वह आलोचना करते हुए प्रायश्चित प्राप्त करें। साथ में ये भी ध्यान रखें जितने अंशों में आपने अच्छे भावों के साथ अपने नियम का पालन किया है उतना आपको पुण्य अवश्य ही लगेगा, पर किसी प्रमाद के कारण से या अपने आलस के कारण से नियम टूटा है तो उसके लिए नियम से आपको दोष तो लगेगा ही लगेगा, पाप भी लगेगा, पर उन लगे हुए पापों को लगे हुए दोषों को आप गुरु के सामने आलोचित कहोगे करोगे उनको बताओगे और उसके प्रायश्चित लेके उस प्रायश्चित को पूर्ण करोगे तो नियम से उन दोषों से बचते हुए आप पूर्ण रूप से अपने व्रतों का नियमों का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशबू जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रोषद कैसे किया जाता है, आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। प्रोषद जो दूसरी प्रतिमा में कहा जाता है और चौथे प्रतिमा के प्रोषदोपवास और दूसरी प्रतिमा के प्रोषदोपवास इसमें थोड़ा सा अंतर आचार्य भगवंतों ने बताया, और प्रतिमा ना होने पर भी अगर प्रोषद समझना है तो उसे भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना हो। भले ही ये प्रोषोध शब्द समान रूप से है पर थोड़ा थोड़ा सा उनमें अंतर है क्रिया की और शक्ति की अपेक्षा से। चौथे प्रतिमा में पूर्ण रूप से प्रोषोध का पालन किया जाता है जबकि शिक्षा व्रतों में वह शिक्षा के रूप में या अभ्यास के रूप में उसे प्राप्त किया जाता है। उसके पूर्व भी जो एक सामान्य श्रावक प्रोषद आदि को प्राप्त करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, पर उसके लिए कोई बंधन नियम नहीं होता। जो प्रोषदोपवास की विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार की कही है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, वह चौथी प्रतिमा में
कंपल्सरी यानी नियामक होती है कि उसे उस जीव को करना ही होता है। अन्य शिक्षा व्रत यानी दूसरी प्रतिमा आदि के निमित्त से कुछ कारणों से वह पूर्ण रूप से ना भी हो तो वह निरतिचार रूप से पालन करने का वहाँ अभ्यास किया जाता है, और श्रावक है वो तो सामान्य ही रूप से प्रोशोध का पालन करता है तो वह जघन्य रूप से भी कर सकता है। तो जो तीन प्रकार की मध्यम, उत्तम और जघन्य विधि बताई है, उत्कृष्ट विधि तो यही है कि वह जो प्रोशोध उपवास के दिन यानी जो पर्व के दिन कहे जाते हैं ऐसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन में पूर्ण रूप से उपवास करते हुए पूर्व और उत्तर यानी सप्तमी के दिन और नवमी के दिन, त्रयोदशी के और अमावस्या पूर्णिमा के दिन में वह एकासन पूर्वक ही वह उपवास किया जाता है, ये उत्कृष्ट विधि कही जाती। अन्यथा उत्कृष्ट नहीं विधि कर पा रहे हैं तो मध्यम विधि के अनुसार तीन दिन लगातार एकासन करते हुए भी वह प्रोशोदोपवास के रूप में स्वीकार किया गया है, और उतनी भी माना की शक्ति नहीं है तो कम से कम तीनों दिन एक रस का त्याग करते हुए, दो रस का त्याग करते हुए, तीन दिन नीरस आदि करते हुए उस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। बिल्कुल इन्हीं तीनों प्रकार से यानी उत्तम, मध्यम, जघन्य प्रकार से पूर्ण रूप से निरतिचार रूप से करना ही ये चौथी प्रतिमा में, अभ्यास रूप करना ये दूसरी प्रतिमा में, और श्रावक इनमें से जैसी अनुकूलता बने उस अनुकूलता से करे, यही तीन प्रकार से तीन विधियों से प्रोशोध और प्रोशोधोपवास को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। sammyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हैं। एवं मनुष्य के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।